नमस्ते, मैं अभिषेक तिवारी दिल्ली से। और विल मैं मेरे पिछले 6 दिन इस तरह गए, मैं आपको बता दूं कि जब मेरी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि सामान्यतः शहरों में सुबह 5 बजे उठकर योगा पर लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह का वातावरण वहाँ दिल्ली में नहीं मिलता। आज हम जिस स्थान पे हैं और विल में, आपको जो मुझे यहाँ महसूस हुआ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। और सबसे अच्छा जो मुझे इस कैंप का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सामान्यतः अन्य शहरों में और जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चे होते हैं वो एक सिस्टम में स्टक रह जाते हैं। अगर मैं 9वीं क्लास में मैंने साइंस ली है तो मेरा जो दिमाग है उसका विकास सिर्फ साइंस तक रहेगा, मैं आर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ सकता, मैं कॉमर्स के बारे में नहीं पढ़ सकता। ऑरविल का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा कि आपकी आयु कुछ भी हो, आप कहीं से भी आते हों, आप किसी भी तरह की यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं, आप किसी तरह का भी खेल खेल सकते हैं। दिनचर्या की बात करूँ तो सुबह 5 बजे उठना, योगा करना, उसके बाद अध्यात्म के बारे में यहाँ से सीखना। और मैं धन्यवाद करूँगा मौलिका जी का और श्रद्धालु जी का, उन्होंने जो मैं काफ़ी समय से एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहा था, या कहीं ना कहीं मैं ये जीवन में चाह रहा था कि ऐसा क्या है जिस पर्पस से मैं जीऊँ, तो मुझे समझ में आया कि हम सभी को एक साथ रहना है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना को अपने साथ लेकर मैं ऑरविल कैंप से जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप को सरकार को समय समय पर आयोजित करवाने चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है, अपने जो भारतीय विचार हैं उसको खोता जा रहा है। तो अपने भारतीय विचारों के लिए और भारतीय युवाओं को एक दिशा देने के लिए इस तरह की कैंप की अति अति आवश्यकता है। धन्यवाद।